हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट बायोमेड। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे ब्लड क्लॉटिंग, वेयर इंजर्ड टिश्यू, जहां पर अगर कहीं चोट लग जाती है, कोई इंजर्ड टिश्यू होता है तो उस पे ब्लड प्लेटलेट्स जो है प्लग कर देते हैं बाय सम प्रोटीन्स, राइट, एंड फॉर्मिंग अ क्लॉट। अगर यही प्रोटीन नहीं बनते हैं, राइट, इन्हें बनाने वाले कुछ फैक्टर्स की कमी होती है, फॉर एग्जाम्पल फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9, तो एक डिजीज जन्म लेती है जिसके कारण कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है, राइट। अगर ये ऐसा ना हो, अगर ब्लड ये फैक्टर 8 फैक्टर 9 प्रोड्यूस ना हो, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और उसी की रिलेटेड एक डिजीज हमारे सामने आएगी, दैट इज हीमोफीलिया। सो आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली यही है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज अ डिजीज वेयर द ब्लड क्लॉटिंग टेक्स टाइम मोर देन द एवरेज 3 to 6 मिनट्स, और कंटिन्यू ब्लीडिंग विल टेक प्लेस। कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है और इसी सीवियर ब्लड लॉस के कारण स्वेलिंग भी हो जाती है ऑर्गन्स में, और स्वेलिंग के साथ साथ सीवियर डेथ सीवियर भी हो सकती है टू द हेल्थ एंड फिट। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी ये बन सकती है। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल हीमोफीलिया। हीमो मींस ब्लड एंड ब्लड स्ट्रीम, एंड फीलिया रिलेट्स टू टेंडेंसी। टेंडेंसी यानी एक ऐसी कंडीशन वेयर देयर इज अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस ब्लड स्ट्रीम्स। खून की नदियां बह सकती हैं अगर एक छोटा सा भी कट लग जाए तो। ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, इसे रॉयल फैमिली डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहली बार क्वीन विक्टोरिया फैमिली में देखी गई थी, जहां उनके 9 बच्चों में से 3 बच्चों को ये डिजीज उन्होंने पास ऑन की थी। ये डिजीज एक अनअफेक्टेड मदर से सन में पहुंच जाती है। ये कैसे हो सकता है, राइट, अनअफेक्टेड कैसे हो सकते हैं, वो अनअफेक्टेड मदर से एक सन में पहुंच जाती है, यानी एक हेरिडिटरी डिजीज ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। पहले एक एक करके टर्म्स को समझते हैं। सेक्स लिंक मींस इट इज रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम, और वो सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन आने के कारण फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ये नहीं बनते, और फैक्टर 8 फैक्टर 9 रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। अगर फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो है वो नहीं बनेंगे तो थ्रोम्बोकाइनेज नहीं बनेगी, एंड फर्दर आगे प्रोसेस क्लॉटिंग की नहीं बढ़ेगी और क्लॉट नहीं बनेगा, इसलिए कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहेगी। क्रोमोसोम एक्स जो है, इसी तरह से डिजीज क्या हो गई, सेक्स लिंक्ड हो गई। क्रोमोसोम एक्स जो है वो आपके दोनों ही मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, मतलब ह्यूमन बींग्स में अगर देखा जाए तो सेक्स क्रोमोसोम मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स, तो दोनों में ही एक्स एक्स है। अगर ये म्यूटेशन केवल एक क्रोमोसोम में है, यानी एक्स में, राइट, तो अगर फीमेल में केवल एक सिंगल क्रोमोसोम पे है तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम तो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस कर सकता है, राइट, एक से नहीं बनेंगे। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, XHX। अगर एक प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो दूसरा तो करेगा, राइट, तो नॉर्मल क्लॉटिंग होगी। ऐसे केस में जब नॉर्मल क्लॉटिंग होगी तो फीमेल इज अनअफेक्टेड, बट शी कैन ट्रांसफर दिस डिजीज टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, ट्रांसफरेबल तो रहेगा ये। तो इसमें, इस केस में ये तो हुआ नॉर्मल फीमेल के लिए आपका जीनोटाइप, और ये जीनोटाइप आपका होता है कैरियर फीमेल का। बट व्हाट हैपन इन मेल, इफ देयर इज ओनली सिंगल एक्स क्रोमोसोम व्हिच कंटेन्स द क्लॉटिंग फैक्टर, व्हाई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, व्हाई के पास तो कोई क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है। इसीलिए अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम पे ये म्यूटेशन आती है, उनमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं प्रोड्यूस होते, तो इट विल बी हीमोफीलिक।
सो मेल में या तो नॉर्मल मेल होंगे या हीमोफिलिक होंगे, दो ही जीनोटाइप पॉसिबल हैं। बट फीमेल में नॉर्मल भी हो सकते हैं, कैरियर भी हो सकते हैं, और एक थर्ड केस भी हो सकता है, दैट इज अ हीमोफिलिक फीमेल, वो की जो कि बहुत ही रेयर केस है, हीमोफिलिक फीमेल दैट इज XHXH। ओके, दोनों ही क्रोमोजोम जो है वो हीमोफिलिक है, नो क्लॉटिंग फैक्टर, कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन सकता, राइट कोई क्लॉटिंग फैक्टर बन नहीं सकता। यहाँ पे भी कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन रहा था, तो ये आपका एक कंडीशन थी। ओके, सो ये आपके पांच जीनोटाइप जो है इसमें पॉसिबल है, आपका वन नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल, देन हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक मेल, कैरियर फीमेल, और पांच हीमोफिलिक फीमेल। नाउ लेट्स सी हाउ दिस डिजीज इज ट्रांसफर्ड। इफ अ हीमोफिलिक फीमेल, नो सॉरी, कैरियर फीमेल मैरीज विद अ नॉर्मल मेल, देन इन दैट केस लेट्स ड्रॉ अ पुनेट स्क्वायर। हम एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर में जो है हम एलील्स जो है अलग अलग उसमें डालते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम, फीमेल के क्रोमोसोम ये और ये मेल के। तो अब देखते हैं अगर ये मैरी करेंगे तो इनके ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। XHX, XHY, यानी ये आपका बना कैरियर फीमेल, हीमोफिलिक सन, अफेक्टेड सन, एंड ये नॉर्मल फीमेल और नॉर्मल, मतलब नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन। बट ओके, सो यू कैन सी व्हाट हैपेंस इज, क्या बना है यहाँ पर, एक कैरियर डॉटर बनी है और इफेक्टेड सन बना है, बाकी दोनों के दोनों डॉटर सन नॉर्मल है। यानी ये ट्रांसफर कैसे हो रही है, एक अनअफेक्टेड मदर से एक सन, राइट, हीमोफिलिक, जो कि क्या बन जाता है, हीमोफिलिक सन बन जाता है। इस तरह से जिगजैग पैटर्न में ये डिजीज जाती है, ज्यादातर ऐसे सिर्फ डिजीज जो है जिगजैग पैटर्न में ही आपकी जाएंगी। आप क्योंकि जो एक इंडिविजुअल है वो आपको इफेक्ट होता है, वह दिखेगा नहीं, बट वो कैरियर की तरह काम करेगा। अनयूजुअली फीमेल ज्यादा कैरियर इन दैट हीमोफिलिक केस। अब अगर हम इस डिजीज की ट्रांसफर दूसरे तरीके से देखें, तो अगर हम इसमें नेक्स्ट जनरेशन देखें, तो अगर इफेक्टेड सन इफ ही मैरीज विथ अ नॉर्मल फीमेल, ठीक है, और अ हीमोफिलिक सॉरी कैरियर फीमेल, अगर वो कैरियर फीमेल के साथ शादी करते हैं तो क्या होगा। एक साइड क्रोमोसोम रखते हैं कैरियर फीमेल के और एक साइड क्रोमोसोम रखते हैं हीमोफिलिक मेल के। XHXH, XHX, ये बन गए आपके हीमोफिलिक फीमेल, विच इज़ अ लीथल केस, लाइफ थ्रेटनिंग केस है ये किसी भी डॉटर के लिए, किसी भी फीमेल के लिए रेयर केस, और बहुत रेयर मोस्ट है, ऐसा कम ही होता है। एंड XHY, XY, ये हैं आपके नॉर्मल मेल, जो कि नॉर्मल मेल भी इसमें बन रहे हैं, बट ज़्यादातर देखें तो ये आपके दोनों के दोनों क्या हैं, ये वाले हीमोफिलिक्स मेल। ओके, सो दैट्स वाई मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो हीमोफीलिया है, ओके, हीमोफीलिया है, या ऐसी बहुत सारे सेक्सलिंग डिसऑर्डर्स हैं, दे आर प्रोन वेरी मच व्हेन देयर इज एन साइन ऑफ कजन मैरिजेस। क्योंकि देखिए, अगर वो किसी नॉर्मल फैमिली में शादी करते हैं, अगर मान लीजिए वो हीमोफिलिक है भी और वो किसी नॉर्मल गर्ल से शादी कर लेते हैं, किसी और फैमिली से फैमिली में शादी करते हैं, तो उस केस में ये डिजीज की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन कजन मैरिजेस में हो सकता है कि उनकी ही कोई कजन जो है वो क्या हो, कैरियर भी हो, ठीक है। ऐसे केस में ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि जो चाइल्ड होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो हीमोफिलिक ही होगी और वो ट्रांसफर उसको कर रहे होंगे। ओके, नाउ मैंने ये बोला था कि ये हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी प्रूफ्ड, राइट। हेरिडिटरी किस तरह से, क्वीन विक्टोरिया फैमिली में ये ट्रैवल कर रही थी, और एक अनअफेक्टेड मदर जो है वो अनअफेक्टेड मदर जो है वो सन को पहुंचाती है ये डिजीज, राइट, दैट्स व्हाई इट इज हेरिडिटरी। फिर हम ये बात कर रहे थे कि ये क्या है, सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड का मतलब था कि ये क्या है, एक्स क्रोमोजोम पे है, एक्स क्रोमोजोम के जरिए जा रही है, एक्स क्रोमोजोम में म्यूटेशन है कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो है वो नहीं बन पा रहे। तीसरी चीज हम बात कर रहे थे, एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव का मतलब क्या है, रिसेसिव का मतलब है कि अगर रिसेसिव का मतलब है कि केवल एक क्रोमोजोम पे अगर ये डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल इन फीमेल्स, राइट,
इन फीमेल्स इफ दे आर ओनली ऑन वन क्रोमोजोम तो इनका कोई इफेक्ट नहीं दिखता है. इस इफेक्ट दिखाने के लिए इन्हें दोनों क्रोमोजोम पे होना पड़ेगा. अगर कोई भी करेक्टर अपने आप को एक क्रोमोजोम पे अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता, उसे दोनों की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम रिसेसिव कहते हैं. अगर एक पे हो तब भी इफेक्ट दिखाते देन इट इज अ डोमिनेंट करेक्टर, राइट. अगर हम फैमिली ट्री पेडिग्री चार्ट में भी देखेंगे, पेडिग्री ट्री में भी देखेंगे, तो एक जनरेशन में ये डिजीज दिखेगी और एक नेक्स्ट जनरेशन में ये डिजीज शायद पास ऑन होती भी नहीं दिखे, क्योंकि जो मदर है वो तो अनअफेक्टेड दिखेगी बट सन जो है वो इफेक्टेड दिखेगा. तो यानी एक जनरेशन में आपको कोई डिजीज नहीं दिखेगी और नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज दिखेगी. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो रिसेसिव. ओके, ज्यादातर रिसेसिव पहचानने का तरीका भी यही है. पेडिग्री चार्ट में एक जनरेशन में डिजीज नहीं दिखती, दूसरी जनरेशन में दिखती है, स्किप करता है जनरेशन, ठीक है, ज़िगज़ैग पैटर्न में जाता है, मदर टू सन, फादर टू डॉटर, और एक बंदा हमेशा अनअफेक्टेड रहता है एक जनरेशन में. इसीलिए एक जनरेशन बिल्कुल आपको मिल दिखता है, वहां आपको कोई भी डिजीज नहीं दिखती. दैट्स वाई इट इज रिसेसिव ऑल्सो. ओके, हेरिडिटरी डिसऑर्डर होने के साथ साथ एज रिलेटेड प्रॉब्लम में भी और आफ्टर द पोस्टमार्टम ऑल्सो कभी कभी हीमोफीलिया जो है वो अक्रेंस ऑफ हीमोफीलिया और हीमोफीलिया लाइक कंडीशन जो है वो हो जाती है. ओके, यानी सीवियर ब्लीडिंग जो है इवन आफ्टर सर्जिकल कट्स ये जो है हो जाती है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि हीमोफीलिया केवल और केवल एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है. समटाइम्स इट इज ऑल्सो एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर. हेरिडिटरी है बट इन सम केसेस ऑल्सो इट बिकम्स अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर. एज रिलेटेड भी ये हो सकता है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट हीमोफीलिया विच इज ऑल्सो अ ब्लड क्लॉट डिसऑर्डर, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर. एक और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, दैट इज थैलेसीमिया. वी माइट बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन अवर नेक्स्ट वीडियो, थैलेसीमिया, इन अवर नेक्स्ट वीडियो और एनी अदर वीडियो. थैंक यू सो मच. सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो.